मैं इसमें सिखाऊंगा देसी तरीके से। पहले हमने इसे भरते को छील लिया, चूल्हे में डाल के जला के फिर हमने इसे छीला है, ऊपर से छिलका उतारा, फिर अच्छी तरह साफ करके अब हम इसे घोट लेंगे। घोट लेते के बाद इसको फ्राई करेंगे। के बाद अभी हम इसे फ्राई करेंगे चूल्हे में। अब हमने इसे कूट के एक डेचकी में डाल दिया है। अब इसे जो पकाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले देसी घी डालेंगे। अगर देसी घी डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देसी घी, गरम मसाला, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च, नमक, लाल मिर्च और धनिया और हल्दी और गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, मसाले सारे इसमें डालें। अब हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। देसी घी डाल दिया। अब हमने देसी घी डाल दिया। अब इसमें गरम मसाला, बिस्मिल्लाह, ज़ीरा, बिस्मिल्लाह, सबल मिर्च, नमक, लाल मिर्च, अब हम इसमें धनिया, सब धनिया और साथ में हल्दी, मिक्स करेंगे। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अब परांठा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का रोटी के साथ। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। बहुत ही मज़े का बना है। आपकी रेसिपी देख के बहुत ही मज़े का बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।